विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ जम्मू कश्मीर आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज 70% आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। 9 साल पहले सिविलियन जो कैजुअल्टीज थी उनमें 72% की कमी आई है। सुरक्षा बलों में 60% की कमी आई है। 2010 में जो पत्थरबाजी की घटनाएं थी 2654 होती थी, अब 2023 में कोई नहीं होती। 2010 में 112 लोग पत्थरबाजी की घटनाओं में नागरिक मारे गए थे, 2023 में एक भी नहीं है। 2010 में 6235 सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड हुए थे, 2023 में एक भी नहीं है। और 2010 में 132 ऑर्गेनाइज स्ट्राइक हुई थी, 2023 में कोई भी नहीं है। 2010 में 70 घटनाएं हुई थी सीज फायर वायलेशन की, 2023 में 2 हुई हैं। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर एक भारी बदलाव और एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहा है। और इसके लिए विकास के नए मार्ग के ऊपर कश्मीर इस प्रकार से प्रशस्त होता हुआ जा रहा है कि धारा 370 के हटने के बाद जो कश्मीर का डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, GSDP था, जो 1 लाख करोड़ रुपए था, वह 5 साल में बढ़कर 2,27,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सरकार ने कई लार्ज रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट किए हैं जिसमें 29,813 लोग अब तक रिक्रूट किए जा चुके हैं और एडिशनल 5,523 वैकेंसीज क्रिएट की गई हैं। जम्मू कश्मीर ने इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल आए हैं वो 66,000 करोड़ रुपए के हैं और जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और उसके द्वारा जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा वो 2.9 लाख तक के व्यवसाय के अवसर क्रिएट हो सकते हैं। 2 मेडिसिटीज जम्मू और कश्मीर में क्रिएट की जा रही हैं। इस ढंग से स्थानीय चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि उखू गांव अब पेंसिल वाले गांव के रूप में पूरे देश में विख्यात होता जा रहा है। और इसी के साथ साथ हिमायत स्कीम जैसी योजनाओं के द्वारा लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्रीशंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वार, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं।